हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसिन फॉर टाइम। आज बात करते हैं फेरिसिप एक्स-3 टैबलेट के बारे में। इसका क्या काम है, कब देते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या क्या नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है, जानेंगे सभी के बारे में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। बात करते हैं फेरिसिप एक्स-3 टैबलेट के बारे में। इसकी कंपनी की बात करें, यह सिप्ला कंपनी की आती है और इसकी कीमत की बात करें, ये 140 रुपये का स्ट्रिप आता है 10 टैबलेट का। बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें होता है फेरस एस्कोरबेट और फोलिक एसिड, और ये कॉम्बिनेशन आयरन डिफिशियंसी में बहुत अच्छा काम करता है। इस कंपोजिशन में आपको और भी ब्रांड नेम से देखने को मिल जाएगी, जैसे ओरोफर XT, फेरोनिया XT, फेरीमोन XT, ये कुछ ब्रांड नेम है। इसके अलावा और भी आपको ब्रांड नेम देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी यूजेस की। ये टैबलेट डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं, जब किसी को आयरन डिफिशियंसी की कमी होती है, खून नहीं बन पाता, खान पान की कमी से पर्याप्त मात्रा में वो इतना न्यूट्रिशन नहीं ले पाते जितना बॉडी को ज़रूरत होती है, तो उस कारण आयरन भी नहीं बन पाता, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको फिर ये टैबलेट देते हैं तो ये खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है। क्योंकि जब किसी को आयरन की कमी होती है तो इन कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, चक्कर आना, सांस फूलना, आंखों के आगे अंधेरा आना, हाथों पाँव में बेचैनी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत सांस फूलना, भूख ना लगना, मोस्टली ये सभी प्रॉब्लम आयरन की कमी के कारण ही होते हैं। आयरन की कमी के कारण ही कुछ खाने पीना को मन नहीं करता, वज़न कम होने लगता है, कमज़ोरी की शिकायत होती है, इन सब कंडीशन में डॉक्टर फिर आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं। प्रेगनेंसी में सेफ़ है अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है। अक्सर देखा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उस कारण ही इन सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो तब भी डॉक्टर ये टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन पूरा हो सके, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे और माँ को दोनों को ही इसकी ज़रूरत होती है। बात करते हैं इसकी डोज की। एक एडल्ट व्यक्ति इस टैबलेट को दिन में एक बार ले सकता है। ये कब तक लेनी है वो डिपेंड करता है कि कंडीशन के ऊपर, वो डॉक्टर आपको देख कर देंगे। बात करते हैं कैसे काम करती है। यह हमारी बॉडी में RBC को बढ़ा देती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं। जो आयरन की कमी के सिम्टम्स होते हैं, थकान, कमज़ोरी, इसको भी ख़त्म करती है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। इसको लेने के बाद थोड़ा पेट में दर्द, लूज़ मोशन, पेट फूलना, जी मिचलाना, ये कुछ नज़र आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो आप अपने डॉक्टर से बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।